भाई अभी मैं कमेंट पिक करता हूँ यूट्यूब से कुछ। मैं भी ये बताओ मुझे कि आधे सर में दर्द क्यों होती है, पता नहीं। मंजिल तो राही ढूंढ लेते हैं, रास्ते मगर खो जाते हैं। गुड मॉर्निंग दगड़ियो, कैसे हो सभी को राम राम सा नमस्कार सुप्रभात। तो भाई मैं उठ गया हूँ भाई, अभी अपने बंक बेड से एडिट कर रहा था भाई, वीडियो एडिट करके अपलोड कर दिया। काफ़ी लेट हो जाएगा आज का वीडियो क्योंकि इंटरनेट का भी प्रॉब्लम है और साथ ही साथ यार बड़ी दिक्कतें हो गई हैं, कुछ फाइल्स मिसिंग हो गई थी, अभी बड़ी मुश्किल से मैंने रिकवर की है। तो फिलहाल दोस्तों अपने विहार भाई भी उठ गए हैं और आज हमारी बात हुई एक और साइकिलिस्ट से भाई से, उससे बात करके अच्छा लगा, विकास भंडारी उटाजो करके है। तो अब हम चलते हैं यहाँ से और विकास अपने जो भाई हैं ये विहार भाई, इनकी जो साइकिल है वो आ चुकी है रेलवे स्टेशन में, तो उसको लेकर के आते हैं, नहाते धोते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, आपको भी खिलाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। आज हम आपको एक लेकर के जाएंगे एक अच्छी सी जगह पर जहाँ हम आपको दिखाएंगे बहुत तगड़ा सा शो, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे अपने मुंबई यात्रा पे। तो उत्तराखंड का ये लड़का लेकर के जाना है आपको यहाँ से सीधा मुंबई तक, 1063 किलोमीटर का मेरा सफर होने वाला है, तो आप लोगों को साथ देना है, साथ निभाना है, मिलते हैं आगे के सफर में। तो भाई लोगों हम लोग आ चुके हैं भाई मार्केट में अब, और अभी हम लोग जा रहे हैं बिहार की जो साइकिल है ना वो पहुँच चुकी है भाई रेलवे स्टेशन में, तो वो लेकर के आनी है। तो उसको लाने के लिए हमको एक फ़ोटो कॉपी की ज़रूरत थी, इसके भाई के पास पासपोर्ट था तो इसने पासपोर्ट की करवा ली है। अगर आप लोग भी करते हैं तो आप लोग अपने पास एक फ़ोटो कॉपी ज़रूर रखना, बिकॉज उस फोटोकॉपी के बिना आपको मिलेगी नहीं, और रेलवे स्टेशन के आसपास आपको फोटोकॉपी मिलेगा या मिलेगा उसका कोई पता नहीं रहता, तो पहले से आप लेकर के जाना। तो अभी चलते हैं फटाफट से रेलवे स्टेशन और साइकिल ले लेते हैं। तो गाइस फाइनली पूरा 3 किलोमीटर की लंबी सफ़र पैदल यात्रा करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन में, और पार्सल ऑफिस ढूंढना है हमको जो कि बहुत बड़ी चुनौती है, और उसके बाद हमको करना है भाई साइकिल लेनी है भाई की। तो चलते हैं अपनी आईडी प्रूफ जमा करते हैं और इसके पास जो बिल है वहाँ से जहाँ से इसने पार्सल किया होगा वो मिला होगा तो उससे हमको साइकिल मिल जाएगी। तो चलते हैं, होप करते हैं कि साइकिल डैमेज ना हो। तो भैया जी हम पहुँच चुके हैं पार्सल ऑफिस में और ये लड़की बहुत ज़ोर से बोल रही है, और ये है जैसलमेर रेलवे स्टेशन। तो ढूंढते हैं भाई की साइकिल कहाँ पड़ी होगी, किधर किस हाल में होगी। भाई मिल गई साइकिल, चलो थैंक गॉड फाइनली मिल गई यार, बड़े दिन पासपोर्ट लगाया था ना। तो भाई वैसे ही परेशान थे, एक और परेशानी हो गई अभी यहाँ पे जो है स्टेशन में ना, हमको करीबन 80 रुपये और देने कैश, बिकॉज इसकी बाइक जो है वो आ गई थी पहले, तो 6 घंटे तक का फ्री होता है बाइक का रहने का, उसके बाद बाइक का 10 रुपये पर घंटे का स्टे पड़ता है। तो भाई अभी पैसे कहीं से कैश अरेंज करने आए, तो ये भैया की दुकान पर आए, भैया ने हमको कैश दे के हेल्प करी हमारी, भाई को पेटीएम कर दिया भाई ने, तो अब हमको साइकिल इजीली मिल जाएगी भाई की। तो चलते हैं साइकिल ले लेते हैं यार, वैसे ही बड़ा आज तो दिमाग ख़राब हो गया मेरा, घूम घूम के 4 किलोमीटर पैदल चल गए, उसके बाद भाई कैश वाली प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पता नहीं हो सकता है कि ये प्रॉब्लम्स शायद हमको और भी मजबूत बनाने के लिए आ रही हूँ। और यहाँ देखो कैसी पेंटिंग्स बनी है पूरे राजस्थान के रेलवे स्टेशन में, जैसलमेर वाओ। तो भाई लोगों सुबह से थकान और सब कुछ हो रहा था, लेकिन अभी यहाँ भाई लोग मैच देख रहे थे तो इनके साथ इंडिया की परफॉर्मेंस देख के अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। थोड़ी देर देखता हूँ क्योंकि विकेट नहीं जड़ा कोई भी अभी इंडिया, और 137 पे 0 हो गए। तो भाई लोगों फाइनली साइकिल मिल गया है अपना, और इसमें पानी भी भरा हुआ है तो पानी पी लेता हूँ, प्यास लगी थी। देखो भाई ने पानी तक भी पार्सल करा दिया यार, क्या कमाल करता है लड़का भाई। इसके अंदर टेंट भी है, टेंट भी पार्सल करा दिया था, टेंट भी है इसके अंदर। ये कट्टे किसने लगाए थे? वही वहाँ से ही लगाए, उनने लगाए। हाँ हमारे यहाँ बोलते हैं कि पैक करो। अच्छा 150 रुपये दिए इसके कट्टे, और इसके अंदर बैग भी है मेरा, कुछ सामान भी है। अच्छा तो यानी ये सब भाई पार्सल नहीं करवाता ना, तो सही में मेरे एकदम खतरनाक वाले बैंड बज जाने थे, क्योंकि भाई मेरे पास अभी भी जब मैंने पार्सल इतना कम कर दिया फिर भी मेरी बैंड बजी गई है, क्योंकि मेरे पास स्लीपिंग बैग था और 2 बैग थे। तो भाई तेरी साइकिल तो अच्छी है यार, गियर भी तेरे बहुत बड़े बड़े हैं इसके, और भाई इसमें तो वो लगा हुआ है ऑल्टस, क्या ऑल्टस भी नहीं है दूसरा यार, अच्छा डिलेलर है, मुझसे भी अच्छा डिलेलर है। अच्छा हाँ भाई गियर भी अच्छे हैं इसके, टू बाय सर्विस करवानी है क्योंकि भाई ये धूल मिट्टी सब कुछ वो हो गई है। ब्रेक कौन से हैं? ब्रेक
ऑयलिंग करा था लास्ट टाइम। ब्रेक कौन से इसमें हाइड्रोलिक है? वैसे हाइड्रोलिक है। अरे भाई तू तो बड़ा सेठ आदमी यार, हाइड्रोलिक ब्रेक भाई, सेठ आदमी भाई ये सेठ लड़का है, बड़ी बड़ी साइकिल ले घूम रहा है। 27.5 है लेके घूम रहा है मेरी छोटी साइकिल यार। मेन चीज क्या है पता है? एक सेकंड, मेन चीज ये है कि साइकिल का वैसे तो फर्क नहीं पड़ता, बट कैसे फर्क पड़ता है, जैसे आप कोई सस्ती सी साइकिल लेके जाते हो ना, तो उसमें फर्क ऐसा होता है कि आपको प्रॉब्लम करती है यार, वो खराब होती रहती है, यानी आपको सर्विस टाइम टू टाइम करवानी पड़ेगी। ये साइकिल की मैंने कितने टाइम में पता है अभी एक ही बार सर्विस कराई है, और उसके ऊपर मैंने तकरीबन 500 से 600 रुपए यूज किया है इसके ऊपर। तो चलो ठीक है, अब चला के देखता हूँ मैं कैसी चलती है महंगी वाली साइकिल, क्योंकि मेरी सस्ती वाली तो अच्छी चल रही थी, लेकिन ये और अच्छी चलेगी क्योंकि हल्की भी है और इसमें भाई लॉकआउट का ऑप्शन भी है सॉकर में यार। तो भैया अपना जो है खाना आ चुका है, हम रोज़ यहीं पे आते हैं, रोज़ तो नहीं मतलब जब भी हमको खाना होता है, वैसे अगर हमारे पास खाना नहीं बना पाते क्योंकि जहाँ पे हम रुके हैं ना वहाँ पे अलाउड नहीं है बनाना, नीचे जो बेसमेंट है उसमें अलाउड नहीं है बनाना, वो बोल रहे ऊपर जाओ रूफ टॉप पे कहाँ जाके बनाएंगे यार वहाँ पे हम, तो इतनी दिक्कत है, तो इसलिए हम यहाँ पे आगे खाना खाने के लिए। और इससे पहले भी हम 4-5 बार आ चुके हैं यहाँ पे, तो आज बिहार भाई को भी ले आया मैं यहीं, तो भाई को भी अच्छा लगा। दाल है, सब्जी है, एक और सब्जी है, एक प्याज है जो मुझे अच्छा लगता है, और अचार है, दही, रोटी है अनलिमिटेड, और साथ में चावल भी मिल जाता है। तो खाते अपनी भूख मिटाते हैं क्योंकि सुबह से हमने कुछ नहीं खाया और दिन के अभी बज चुके हैं 3:16 हो चुके हैं, तो एक टाइम खाएंगे हम, उससे ही पूरा कर लेंगे अपना दिन भर का, क्योंकि थोड़ा सा बजट को मेंटेन करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये अभी खाना में 100 रुपये तक का पड़ जाएगा, तो 100 रुपये मतलब हमारी कमाई भी नहीं है भाई, दिन की 2-3 दिन का खाना है 100 रुपये है भाई, मेंटेन करना पड़ता है उसके साथ, हमारे दिन की कमाई भी नहीं है 100 रुपये। हम क्या करते हैं कि भाई एक ही बार में खाते हैं जितना खा सकते हैं, क्योंकि फिर अपना खर्चा जो है बराबर करना पड़ेगा। रात को हम जाएंगे 8 रुपये वाले में, अबे वो मिलेगा नहीं मिलेगा अभी तो लेट हो गया हो, अरे रात की बात करते हैं। हाँ अगर टाइम पे मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज हम फिर ये इसी जो खाया है ये इससे चल जाएगा अपना काम, अदरवाइज कहीं कल की तरह जाएंगे, जैसे हम फोर्ट पे गए थे तो वहाँ पे तो भाई फ्री हो गया था हमारा खाने का, क्योंकि कैमरा देख के उन्होंने फ्री कर दिया था, तो उनका थोड़ा सा हमने डाल दिया कि उनके क्या क्या बनता है, तो खुश हो गए थे, तो उन्होंने कहा चलो आओ यार तुम, तो खाता हूँ। मंजिल तो राह ही ढूंढ लेते हैं रस्ते मगर खो जाते हैं, हम तो गलत नहीं जा रहे। तो भाई इतने बड़े आदमी को बैठा करके मैं घूम रहा हूँ राजस्थान में जैसलमेर की सड़कों में, इसकी बाइक हमको मिल गई थी तो इस खुशी में हमने सोचा कि इसको बैठा लेते हैं, और अब हम खुशी खुशी घूम रहे हैं जैसलमेर की सड़कों में। बहुत चढ़ाई तगड़ी वाली है, गियर बदलना पड़ेगा मुझे, अबे हमें तो दीवार के पास जाना है उसकी। तो दोस्तों खाना वाना खाने के बाद हम लोग आ गए थे अपनी डॉर्मेट्री में, और आज हमने थोड़ा सा रेस्ट भी किया, और भाई अभी मैं कमेंट पिक करता हूँ यूट्यूब से कुछ, मैंने भाई लोगों के कमेंट्स बहुत दिनों से पिक नहीं किए क्योंकि समय की दिक्कत हो जाती थी, तो आज हम करते हैं आदित्य वाईटी गेमिंग, जो भाई है उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि जल्दी खाना खाया करो, मैजिक क्यों खाते हो, मतलब मैगी क्यों खाते हो कहना चाहते हैं भैया, रोज़ वीडियो चाहिए। भाई मैं मैगी नहीं खाता हूँ, और ये जो मैगी नहीं है, बहुत से लोग सोचते हैं मैगी है, राइस है भाई, राइस है यार। एजुकेशनल सेंटर का वीडियो है भाई, यू आर डूइंग वेल जॉब, कीप इट अप, थैंक यू सो मच भाई। इसके बाद भाई हमारे राठौर दीपेंद्र सिंह, नाइस वर्क भाई, कैसा लगा राजस्थान? तो राजस्थान बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, और चलो बहुत हो गया इतने कमेंट्स लिए, और कल का जो कमेंट होगा वो सबसे पहले जिसका कमेंट आएगा, और जो कमेंट हमें अच्छा लगेगा सबसे पहले कल सुबह यूट्यूब का कमेंट ही लेंगे हम। तो फिलहाल खाना वाना खाते हैं, उसके बाद करते हैं वीडियो एडिट, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों अभी बहुत टाइम हो गया है, रात के बज चुके हैं 11:57, और आज मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज मेरे सर में दर्द हो रहा था, और बीच में फिर मेरे को वीडियोज इंस्टाग्राम पर कुछ डालना था, तो वो सब कर रहा था मैं एडिटिंग, और भाई अभी बिहार की फिर बात भी कराई मैंने अपने भाई से, प्रदीप राणा भाई से, तो थोड़ा उनसे भी बात करी, और थोड़ा तो कुछ लोगों से बात करनी थी बहुत टाइम से जो नहीं कर पा रहा था, फिर कुछ सीखना भी था तो उन लोगों से कुछ सीखा, और भाई हमने GoPro Hero 8 है VR भाई का, उससे मैं कंपेयर कर रहा था 7 को, तो भाई मुझे 7 में ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ता है यार, इसके माइक अच्छे हैं, इसमें इजीली कैप्चर हो जा रही थी वॉइस जो है, अभी मैं GoPro में ऐसे बोल रहा हूँ तो आवाज़ कम आ रही होगी, बट इसमें ऐसे बोलता हूँ तो बहुत आवाज़ आ जाती है, तो यार मुझे भी 8 लेना है भाई,
बट अभी बजट कम है तो अभी नहीं ले पा रहा हूँ मैं। सून मैं अभी लूँगा 8 या 9 या 10 11 जो भी होगा, क्योंकि मुझे वॉइस का बड़ा दिक्कत आ रहा है। ऑडियो क्वालिटी जो है 7 में मेरी अच्छी नहीं आ पा रही है। केस या तो फिर ये यूलांजी वाला केस लगाने की वजह से भी थोड़ा कम हो गई होगी, क्योंकि इसमें पूरा पैक रहता है कैमरा। हाँ उसी के कारण है, उसके कारण। हाँ क्योंकि ये सब पूरा क्लोज हो जाता, मेरा भी, मैं जैसे मेरे पास वो ट्राइपॉड ऐसा कुछ नहीं है तो मैं हाथ में पकड़ता हूँ तो मेरा भी कभी कभी आवाज कम हो जाता है। हाथ में तो दिक्कत होती है, हाथ से माइक दब जाते हैं। लेकिन ये जो केस बने होते हैं ना, इनके अंदर माइक इनको पता होता है, तो माइक तो ऐसे बंद नहीं करते हैं। बट हाथ से तो अगर आप यूज करोगे, हाथ से माइक दबते हैं कई बार, तो कहाँ पे है माइक होता है हमको पता नहीं होता ना। तो दोस्तों अभी खाना भी नहीं खाया है, डिनर किया नहीं, भूल गया है, टाइम नहीं मिला, पता ही नहीं लगा कुछ। तो अभी ये बताओ मुझे कि आधे सर में दर्द क्यों होती है, पता नहीं इधर साइड हो रही है मेरे बस, और ये वाली आँख में भी हो रही है, इधर की तरफ हो रही है। तो कल हम निकलने वाले हैं थोड़ी लंबी राइड पे, देखते हैं अगर सुबह सही रही दर्द तो निकल जाएंगे टाइम पे, अदरवाइज थोड़ा देर में निकलेंगे। फिलहाल मैं आज का वीडियो एडिट कर लेता हूँ, ज़्यादा तो कुछ है नहीं इसमें, पता भी नहीं लगेगा मुझे कि क्या था। तो मैंने कमेंट्स वगैरह भी आप लोगों के लिए लिए हैं, और कल आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना ताकि मैं आप लोगों को मेंशन कर सकूँ, शाउट आउट दे सकूँ। और बाकी मिलते हैं, बाय बाय, करो आराम आप लोग भी, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइज़।